Hey guys, welcome back to my channel. एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। सो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक मीशो हॉल एंड काफ़ी अफोर्डेबल हॉल होने वाला है गाइस। ये ना मैंने सारी साड़ियाँ समर के लिए ली हुई हैं, डेली वेयर की साड़ियाँ हैं, तो अंडर 400 रुपीज़ आप इसको बोल सकते हो हॉल को। काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी फेवरेट साड़ी दिखाने वाली हूँ इस हॉल की, क्योंकि ये फैब्रिक ना मैंने पहली बार ट्राई किया है। एंड इमेजेस मैं स्क्रीन पे दे दूँगी और कोड सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और मीशो पे अब लिंक भी होने लगे हैं तो पॉसिबल होगा, मैं लिंक भी दे दूँगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मीशो के कोड आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप सीधा पिक्चर लेके स्क्रीन शॉट लेके उसको क्रॉप करके सीधा आप मीशो के सर्च बार में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आप सीधा गैलरी से पिक्चर लेके उसको सर्च कर सकते हो, तो बहुत इजी हो जाता है। सो सबसे पहली साड़ी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मलमल कॉटन का फैब्रिक है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा, एग्जैक्टली यही कलर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पीच कलर है ये। एंड यहाँ पे इस तरीके की आपको ऑल ओवर साड़ी में ये लाइनिंग मिल जाएगी, सेम साड़ी जाएगी पूरी। फैब्रिक इज सो सॉफ्ट, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का। एंड गर्मियों के टाइम में ना ये फैब्रिक काफ़ी सूदिंग रहते हैं, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते, आप ऑल डे साड़ी को पहन के रख सकते हो एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत हल्की साड़ी है एंड लुक एट द प्रिंट, बहुत खूबसूरत तो इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। हालांकि ये फॉइल प्रिंट है, अगर आप रेगुलर इसको वॉश करोगे ना तो ये निकल सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुली वॉश करना पड़ेगा। बट आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा इस पर प्रिंट है, मैं आपको कलर नज़दीक से दिखाती हूँ। तो आप इस पर ग्रीन एंड रेड इस तरीके के ब्लाउज भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। सो साड़ी की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, मैं आपको पूरा खोल के दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके का प्लेन ब्लाउज मिल जाएगा इसमें, बाकी आप ट्राई ऑन में देखेंगे ना तो आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है ये साड़ी, तो आप इस तरीके से पूरा है ना ये शाइनी शाइनी वाला बॉर्डर देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल और अच्छा सा फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इस प्राइस में, तो बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की ऑल ओवर पूरी साड़ी पे प्रिंटिंग है, ये शायद पल्लू वाला पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम साड़ी सेम ऐसे ही रन करेगी, कोई ऊपर नीचे का कोई अंतर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी सुंदर लगेगी। बाद में आपको ट्राई ऑन में और दिखा दूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगी। एंड कलर बहुत प्यारा है, ये फैब्रिक भी मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, मुझे काफ़ी पसंद आई। सो ये है, मूव ऑन टू द सेकेंड वन। ओके, सो सेकेंड भी एक है ना, ये जॉर्जेट की साड़ी है एंड इसका प्राइस है 282 रुपीज़ गाइज। एंड ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर सी साड़ी इस प्राइस रेट में ना, ये बहुत अच्छी है। एंड आप फैब्रिक देख सकते हैं, इस तरीके का फैब्रिक है। सो गर्मियों में अगेन इस तरीके के फैब्रिक बहुत अच्छे होते हैं। गर्मियों में ना आपको जॉर्जेट एंड शिफॉन एंड ये मलमल यही फैब्रिक पहनने चाहिए। सिल्क वगैरह ना आप सर्दियों के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि उस टाइम ठंड भी होती है ना, तो आप इजीली कैरी कर सकते हो, बट गर्मियों में सिल्क वगैरह नहीं हम पहन सकते। सो आप इस साड़ी को, ये बहुत अच्छी साड़ी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। आप ये इसका ब्लाउज़ है, ओके, सो आप देख सकते हैं क्रेप और जॉर्जेट मिक्स मुझे फैब्रिक लग रहा है, फैब्रिक में थोड़ी सी शाइन भी है। एंड लुक एट द कलर है, कलर इज सो ब्यूटीफुल, मुझे इस टाइप के कलर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इस पे आपको पोलका डॉट प्रिंट मिल जाएगा इस तरीके से, पूरा पोलका डॉट नहीं है बट ऐसे बना हुआ है ना, तो वो पोलका डॉट ही बोल सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके का प्रिंट। सो ये बेज कलर से प्रिंट बना हुआ है, ये वाइट नहीं है, बेज कलर है, आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये आपके प्लीट्स पे आएगा। काफ़ी सुंदर साड़ी है गाइस, एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस 282 रुपीज़ में इतना अच्छा फैब्रिक आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। सो मुझे ये साड़ी काफ़ी पसंद आई। और मीशो पे कभी कभी होता है ना कि हम कुछ देखते हैं हमें कुछ और मिलता है, ये जितना इमेज में अच्छा नहीं लग रही थी ना ये साड़ी, ये रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर है, अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग जज करोगे ना तो ये बहुत बहुत सुंदर। सो मूव ऑन टू द थर्ड, मेरे पास एक सिल्क और कॉटन बोल सकते हैं हम इसको, ये कुछ 380 रुपीज़ की है, ओके, हाँ सो ये कुछ 380 रुपीज़ की है। एंड ये इमेज में ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वेबसाइट पे, तो मेरा काफ़ी टाइम से इसको मन था कि मैं एक बार इसको ट्राई करूं। एंड आप देख सकते हैं इस पर ये फॉइल प्रिंटिंग की गई है गोल्ड कलर से, सी द प्रिंटिंग एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज रियली गुड। बट है ना, मुझे इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, जबकि सारे हॉल में ये साड़ी सबसे महंगी है, मेरे को इसकी क्वालिटी ज़्यादा पसंद नहीं आई। मैं इसको ना 30% रिकमेंड करूँगी, अगर आप आपको ठीक लगे तो आप जा सकते हैं, बाकी मुझे ये कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगी।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके की ऑल ओवर फॉइल प्रिंटिंग है। वैसे तो ठीक लग रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस थोड़ा सा कपड़ा ना इम्प्रूव हो सकता था इसका, क्योंकि आप ये जो नीचे का पार्ट देख रहे हो ना इस तरीके से, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो आपको ये थोड़े से और कम में हो जाए। मीशो पे भी अब ऐसा होने लगा है ना, प्राइस फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, तो जब आपको थोड़ा सा ये और कम में मिले ना 500 रुपये में, या फिर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके मेरे लिंक के थ्रू मीशो डाउनलोड करके आपको कूपन मिलेगा ना, आपको इंस्टेंट 30% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप मेक श्योर कि मीशो मेरे द्वारा दी हुई लिंक के थ्रू डाउनलोड करके शॉपिंग करें ना, तो आपको ये साड़ियाँ और भी सस्ती सस्ती मिल जाएंगी। सो फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके का है ये, इसमें ये ना ऊपर से ग्रीन येलो फिर थोड़ा सा बीज काइंड ऑफ कलर आ जाता है, देन फिर येलो फिर ग्रीन, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। इस तरीके की साड़ीज़ ना आप पूजा में लाइक बसंत पंचमी एंड काफ़ी सारी पूजा होती हैं जिनमें येलो कलर की साड़ियाँ चाहिए होती हैं, सो उसमें आप पहन सकते हैं। वैसे तो लुक वाइज ये काफ़ी अच्छी है, बट अगेन भाई ये फैब्रिक थोड़ा सा और अच्छा होता था ना तो और भी अच्छी लगती। सो ये इसका आई थिंक ब्लाउज पल्लू है ये इसका, ओके सो ये इसका आंचल वाला पार्ट है, एंड देन पूरी साड़ी ऐसी है देख सकते हैं, एंड ये ग्रीन कलर में आपको इसका ब्लाउज मिल जाएगा। सो कॉम्बिनेशन तो काफ़ी अच्छा है, जब ये बनेगा इसका ब्लाउज एंड साड़ी लुक वाइज बहुत अच्छी लगेगी पहनने पे, एंड मैं आपको अभी ट्रायल में दिखाऊंगी तो आपको और भी पता चल जाएगा। सो ये है, ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी है। ओके मूव ऑन टू द फोर्थ एंड लास्ट वन। तो ये रही साड़ी, एंड ये भी मेरी फेवरेट साड़ी है इस हॉल की, काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी है गाइज। प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके का आपको पूरा ब्रोकेट का फैब्रिक मिलेगा, इस पे जरी का धागे का काम हुआ है, एंड आप एक बार बैक साइड से देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। अगर आप बैक साइड से भी इसका ब्लाउज बनवाना चाहें ना बन जाए, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लुक एट दिस, एक भी थ्रेड आपको अलग से निकला हुआ नहीं दिखेगा। मैं थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखा देती हूँ। बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लाउज फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है, देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज फैब्रिक है, एंड साड़ी इज जस्ट वाओ। इसका फैब्रिक क्रेप में है, एंड ये भी बहुत सॉफ्ट है। आप फैब्रिक की शाइन देख सकते हैं, साड़ी का कलर देख सकते हैं, बहुत सुंदर सी साड़ी है। इवन आप अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं, स्कूल वगैरह, तो आप इजीली इस तरीके की साड़ी कैरी कर सकते हैं। घर में तो आप इनको पहन ही सकते हैं, आप थोड़ी बहुत बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं ना, तब भी आप इस तरीके की साड़ियाँ कैरी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरीके का इस पर ब्लैक प्रिंट है, एंड नीचे में ना आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक मिलेगा, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये प्लेटिंग पे आएगा, बहुत सुंदर सी साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल वर्थ बाइंग लगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से, एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है गाइज, मैंने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं बट अभी कोरोना की वजह से ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखिए। जैसे ही पार्सल मुझे रिसीव होते हैं मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो जाए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।